हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डीएवी स्कूल। एज यू नो, इन द क्लास सेवन्थ जी साइंस वी आर ऑन चैप्टर ट्वेल्थ। टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर ट्वेल्थ एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज लाइट। हमारा ट्वेल्थ चैप्टर है लाइट। लुक एट द पिक्चर शोन अबव। जो पिक्चर आपको ऊपर दर्शाई गई है, ये देखिए, ये ताजमहल की पिक्चर है जो दिखाई गई है, इसको हमने देखना है। लुक एट द पिक्चर सोन अबव, वी सी नॉट ओनली द ओरिजिनल मोन्यूमेंट इन सेल्फ बट ऑल्सो द पिक्चर इन द वॉटर। हम असली जो मोन्यूमेंट है उसको नहीं देख रहे, केवल पिक्चर जो है वाटर में भी दिखाई दे रही है। दिस पिक्चर ऑफ वाटर सोर्स एज वी नो नाउ नो इज ड्यू टू द फिनोमिना नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो पिक्चर बनी हुई है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण बनी हुई है। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास सिक्स्थ दैट ए प्लेन मिरर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉल ऑन इट। हमने सिक्स क्लास में पढ़ा है कि जो प्लेन मिरर है वो डायरेक्शन चेंज कर देता है। अगर कोई लाइट उस पर पड़ती है फॉलिंग ऑन इट, तो उसकी वो डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। सच ए चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द मिरर। ये जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बाय मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन शाइनी और पॉलिश सरफेस मिरर्स स्टेनलेस स्टील स्पून प्लेट इज नोन एज रेगुलर और प्लेन रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो की जाती है पॉलिश या शाइनी सरफेसेस के द्वारा, मिरर्स के द्वारा, स्टेनलेस स्टील स्पून या प्लेट्स के द्वारा, तो ये रेगुलर और प्लेन रिफ्लेक्शन होती है। दिस इज बिकॉज लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दीज सरफेस इज वेल डिफाइंड ऑर्डर ऑर्डरली मैनर एंड दिस ऑफन रिजल्ट्स इन ए ग्लेयर। क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन होती है, इसमें जो लाइट है वो एक ऑर्डरली मैनर में होती है और वेल डिफाइंड होती है, और इसके अंदर क्या है, ग्लेयर होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम नॉन शाइनी नॉन पॉलिश्ड एंड इरेगुलर सरफेसेस ऑफन टेक प्लेस इन ए इरेगुलर डिफ्यूज्ड मैनर। जबकि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है नॉन शाइनी और नॉन पॉलिश्ड या इरेगुलर सरफेसेस के द्वारा, वो इरेगुलर डिफ्यूजन होता है उसमें। दिस इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहा जाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाता है। कैन यू नाउ गैस अबाउट द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन विच हेल्प अस इन द सीइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड अस। क्या आप गैस कर सकते हैं बहुत टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को जो कि हम अपने आसपास देखते हैं डिफरेंट टाइप्स की। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू रिकॉल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है जो आपने रीड करनी है, पूरी की पूरी को आप लर्न करेंगे, ये रीड करेंगे पूरी को। देखिए, ये पूरी एक्टिविटी है, आपने इसको पढ़ना है अच्छे से, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज शेयर विद मी। नाउ नेक्स्ट वी हैव पॉइंट आफ्टर दिस एक्टिविटी। आवर टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस ऑलवेज टेक प्लेस इन ए वेल डिफाइंड मैनर इन अकॉर्डेंस विद टू सिंपल रूल्स और लॉज। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या होगा, वो हमेशा होगा एक टू सिंपल रूल्स और लॉज को फॉलो करते हुए उनके अकॉर्डेंस में। वी कॉल दीज टू रूल्स और लॉज एज द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम इन लॉज रूल्स या लॉज को टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। वी मस्ट हाउएवर फर्स्ट नो सम टर्म टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन दीज टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इन लॉज को जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, वो क्या है, देखिए, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। द फर्स्ट वन इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज दैट पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ विच सरफेस ऑफ द मिरर वेयर द इंसिडेंट रे फॉल्स। जहाँ पे
इंसिडेंट रे जो है टकराती है या फॉल करती है, वो पॉइंट जो है मीर सरफेस ऑफ मिरर का, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर सरफेस है, मान लो ये जो रे आई है यहाँ टकराई है, ये दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके जो परपेंडिकुलर ये है, दिस वन इज द नोन एज नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नॉर्मल कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट कमिंग टूवर्ड्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, सिमिलरली द रे ऑफ लाइट विच टर्न्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ऑफ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, जो रे है इस पे आके टकराई है और वो क्या है रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्ट वो क्या, ये जैसे लाइट गई है यहाँ मिरर से आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, या आप कह सकते हैं देखिए ये इंसिडेंट हुई और ये दिस वन इज रिफ्लेक्टेड, दिस वन ऑल्सो इज रिफ्लेक्टेड। नाउ नेक्स्ट, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है उसको इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। सिमिलरली द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाएगा उसको। एंड द नेक्स्ट वन इज द प्लेन ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंस एंड द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, वी नो दैट वी कैन यूज टू पॉइंट्स इन टू डिफाइन ए लाइन, द टू पॉइंट्स टू डिफाइन ए प्लेन, हम क्या है एक किसी लाइन को दिखाने के लिए टू पॉइंट्स का यूज करते हैं, जबकि किसी प्लेन को दिखाने के लिए हम टू लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। द प्लेन डिफाइंड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, जो प्लेन जो है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के द्वारा जो दिखाया जाएगा, जो शो किया जाएगा, वो कहलाएगा प्लेन ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली द प्लेन डिफाइंड बाय रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो और नॉर्मल किसको दिखाएंगे, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन को। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आप ट्राई करेंगे आज के टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन फ्रेम करने की और मेरे साथ शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।